ओहो, एक्सीडेंट हो गया भाई। ये देखिए चचा को, हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा था चचा ले लेंगे हमको। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है। मैंने बहुत ही सोचा समझा, उसके बाद से डिसाइड किया कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग। इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, तो मैं एक कैमरा हेलमेट माउंट परचेज किया, इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके अब ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं उसको, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, मेरा यह फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है, आज तक मैंने कभी ब्लॉग नहीं किया। मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, इसको प्लीज़ आप सपोर्ट करें, थोड़ा सा ग्रो करने दें। जो लोग नए हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। आज हम चल रहे हैं गांधी मैदान में, डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। देखते हैं कि वहाँ मेला में क्या क्या लगा हुआ है और उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। ये है हमारा अनीसाबाद का एरिया, चित्तौड़ा पुल इसको बोल सकते हैं आप। ट्राई तो कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट देने का, पर देखते हैं। ये फर्स्ट मोटो ब्लॉग सेटअप, मैं पहली बार मोबाइल को अपने हेलमेट सीट माउंट को फंसा रखा है और इसको मैं ले करके जा रहा हूँ। पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आवाज़ अच्छी हो तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, अगर अच्छी ना हो तो फिर मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है वीडियो। चलिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। और मुझे अभी तक तो फ़िलहाल सेटअप मैं सही से किया हूँ, नज़र तो आ रहा है, मुझे ठीक ठाक दिख तो रहा है कि हाँ, मतलब एंगल ठीक बैठा है, पर पता नहीं। अब मोबाइल को हाथ में निकाल करके फिर देखेंगे, उसके बाद से ही पता चलेगा कि आवाज़ कैसा आ रहा है और वीडियो का फुटेज कैसा आ रहा है। वाइड एंगल से ही मैं शूट कर रहा हूँ, नॉर्मली फ़ोन है ये, मेरा फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ मैं, गोप्रो तो है नहीं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल से ही शूट करें। यहाँ पर अक्सर जाम ही रहता है, सचिवालय गेट है ना, यहाँ से अंदर से जो स्टाफ लोग है वो क्रॉस करता है तो थोड़ा सा जाम लग जाता है यहाँ पे। पता नहीं डिज्नीलैंड का गेट कितने बजे खुलता है। आई थिंक बचपन में गए हैं और फिर एक आज जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने। आई थिंक कि 4 या 5 बजे के आसपास तो गेट शायद ओपन हो जाता है, उसके बाद से एंट्री देते हैं लोग। उधर से मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है, इससे हेल्प हो जाएगी मेरी भी वीडियो शूट करने में। देखते हैं फ्रेंड मेरा वहाँ पास आता है कि नहीं, वहाँ जा कर मैं कॉल कर लेता हूँ उसको। यहाँ टर्निंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चारों तरफ से गाड़ी, इधर से उधर से गाड़ी निकलता है। अभी तो दोपहर का थोड़ा बहुत समय है तो जाम नहीं है। जब ऑफिस की छुट्टी होती है, जब कॉलेज कोचिंग की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, उस समय तो बाप रे बाप, मत पूछिए क्या जाम लगता है इधर। एकदम लंबा 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 जाम, एकदम समझिए पूरा पुल ही जाम रहता है। सरकार बिहार के लिए कुछ किया हो या ना हो, लेकिन रोड के मामले में नो डाउट रोड एक से एक, पटना को रोड और बिहार को रोड से कोई ये नहीं है। मतलब
फुल्ली एकदम डेवलप रोड के मामले में, रोड कंस्ट्रक्शन एकदम हर जगह, पर एक चीज़ अच्छा नहीं लगता, हर जगह गड्ढा खोद करके छोड़ देते। अभी मेट्रो का काम चल रहा है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन मेट्रो का काम चल रहा है उसमें मत है ना, मतलब हर जगह। अब ये डाक बंगला से जो गांधी मैदान सीधा रास्ता चला जाता है वो रास्ता बंद हो चुका है आने के लिए, सिर्फ इधर से आई थिंक जाने वाला रास्ता है, आने वाला नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि डायरेक्ट एकदम सचिवालय से जो पुल चढ़ रहा है ऊपर, वही को रास्ते को अपनाता हूँ और सीधा चलते चला जाता हूँ। ये हमारा पटना जंक्शन पर का ये मस्जिद है और मस्जिद के जस्ट पीछे आप मंदिर को भी देख सकते हैं। यह हमारा नेशनल फ्लैग कितना खूबसूरत लग रहा हवा में, देख रहे हैं आप। वायर ब्रिज, इसके लिए हमको लगता है कि अच्छा माइक लेना पड़ेगा, बोया का माइक आता है करीब 900-1000 रुपये के आसपास, वही लेना पड़ेगा। ये एक मैंने टेम्प्रोरी माइक लिया हूँ बट उससे उतना अच्छा काम नहीं चल पाता, हवा उतना तेज़ रहता है, हवा विंड को नहीं रोक पाता, विंड ब्लास्ट जो भी होता है वो नहीं रोक पाता। ये सीधा एग्जीबिशन रोड के ऊपर ऊपर जो फ्लाई ओवर है यहाँ से निकलते, ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे में हुआ है। ओहो, एक्सीडेंट हो गया भाई, बहुत ही भयंकर एकदम बाइक एक्सीडेंट यहाँ पे, पूरा रोड पे ब्लड, ओ माय गॉड यार। कृपया आप ध्यान से बाइक को चलाएं, रफ ना चलाएं, लिमिट से चलाएं, उतना ही लिमिट से चलाएं जितना आप कंट्रोल कर सके बाइक को। आजकल तो खुद से ज़्यादा दूसरों से डर लगता है रोड पे, कौन कहाँ से आए, किसको हिट कर दे, कोई ठीक नहीं। आप बच कर के ही चले, अपना सावधानी, अपना जो है बाइक का कंट्रोल अपने हाथ में ले करके। ये देखिए चचा को, हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा था चचा ले लेंगे हमको, चढ़े हुए हैं। कोई तरीका ही नहीं, से मन वैसे एकदम कार को दौड़ा देना है, चचा वैसे ही चला ही रहे थे। ओवरटेक ऐसे फ्लाईओवर पे ओवरटेक तो करना ही नहीं चाहिए, डबल लेन है तो चलेगा, सिंगल वाला फ्लाईओवर है तो ओवरटेक ना ही करे तो बेटर है। ये हम पहुंच गए गेट नंबर 10 के पास, लेकिन हमें चलना है सबरता द्वार के साइड, चलते हैं सबरता द्वार। ये पांच होटल का गांधी मैदान के पास, गजब का धूप, कहना ही नहीं है। टाइम होने जा रहा है 5 बज गया और इस तरह का धूप, आजकल तो सुबह में ही एकदम 6-7 बजते इतना तेज धूप निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जल जाएगा हाथ हाथ। हमारे बिहार में भी कम लोग नहीं है शौक जिनके होते हैं, देख सकते हैं जैगवार, एक से एक हमारे बिहार पटना में भी गाड़ी मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं है हमारा बिहार कम है, बहुत पैसे वाले लोग हैं बिहार से एक आदमी लोग आपको मिलेंगे हर जगह, दुनिया के हर कोने में, इंडिया के हर कोने में भी और दुनिया के भी हर कोने में, समझ लीजिए। ये हम आ गए हैं सभरता द्वार, हो रहा है मेट्रो का काम, देख सकते हैं आप। गांधी मैदान के पास यहाँ पास अंडरग्राउंड स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, देख रहे हैं आप क्लियरली। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट एकदम गेट नंबर 7 के पास रोक करके, गांधी मैदान गेट नंबर 7, वहीं से एंट्री होगा मेला में, चलिए मैं वहां दिखाता हूं आपको।
और ये फाइनली हम गेट नंबर 7 से गांधी मैदान के अंदर एंटर कर चुके हैं डिज्नीलैंड मेला में।